पूरी दुनिया की निगाह अब तुर्की पर है। वो लगातार सीरिया पर हमला कर रहा है। अमेरिका, फ्रांस और हिंदुस्तान जैसे कई देश तुर्की के रवैये पर चिंता जाहिर कर चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की के राष्ट्रपति को इस मसले पर एक चिट्ठी भी लिखी थी, लेकिन उसका भी कोई असर नहीं हुआ। सवाल ये है कि ट्रंप की उस चिट्ठी का क्या हुआ? तुर्की ने युद्ध विराम के समझौते को क्यों तोड़ा और क्यों फिर से बम बरसाना शुरू किया? देखिए ये रिपोर्ट। तुर्की लगातार सीरिया पर बमबारी करने से बाज नहीं आ रहा। युद्ध विराम के समझौते के बाद भी तुर्की ने अमेरिका की बात नहीं मानी। इतना ही नहीं, सीरिया से अमेरिकी फौज की वापसी के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने 9 अक्टूबर को तुर्की के राष्ट्रपति को एक सरकारी चिट्ठी भेजी। ट्रंप ने ये चिट्ठी तुर्की को ये अनुरोध करने के लिए लिखी थी कि वो उत्तरी सीरिया में कुर्दों की अगुवाई वाली सेना के खिलाफ सैन्य कार्रवाई ना करे। लेकिन तुर्की तो अपने ही घमंड में है। राष्ट्रपति अर्दोगान ने अमेरिका की बात ना मानते हुए ट्रंप की इस चिट्ठी को रद्दी में डाल दिया और हमले का आदेश दे दिया। वहीं अमेरिका ने पिछले दिनों सीरिया से अपने सैनिकों को हटाने का ऐलान किया था, जिसके बाद उसकी ये कहते हुए तीखी आलोचना हुई कि इससे तुर्की को सैन्य कार्रवाई के लिए हरी झंडी मिल जाएगी। ऐसे में उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति माइक पेंस तुर्की पहुंचे और आखिरकार तुर्की युद्ध विराम के लिए तैयार हो गया। अमेरिकी राष्ट्रपति माइक पेंस और तुर्की के बीच एक समझौता हुआ, जिसके तहत उसने युद्ध विराम की घोषणा की। डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की को लिखी चिट्ठी में लिखा, आइए एक अच्छे समझौते की कोशिश करें। आप हजारों लोगों के जिब होने के जिम्मेदार नहीं होना चाहते और ना ही मैं तुर्की की अर्थव्यवस्था को तबाह करने का जिम्मेदार बनना चाहूंगा, जो कि मैं करूंगा। इतिहास आपको उदारता से देखेगा अगर आपने चीजें सही और मानवीय तरीके से दुरुस्त की, लेकिन अगर अच्छा नहीं हुआ तो वो आपको हमेशा एक दानव की तरह देखेगा। सख्त मत बनिए, बेवकूफी मत करिए, मैं आपको बाद में फोन करूंगा। राष्ट्रपति अर्दोगान ने चिट्ठी प्राप्त की, उसे सिरे से खारिज किया और रद्दी में फेंक दिया। इसके बाद ठीक उसी दिन तुर्की ने सीरिया में हमला बोल दिया। तुर्की ने सीरिया पर बम बरसाना शुरू कर दिया। समझौते के मुताबिक 5 दिनों तक सीरिया तुर्की की सीमा पर शांति कायम रखनी थी, लेकिन तुर्की के सैन्य बलों ने युद्ध विराम समझौते के बावजूद सीरिया के उत्तर पूर्वी इलाके में जबरदस्त बमबारी की, जिसमें 14 नागरिकों की मौत हो गई। इन बेगुनाह नागरिकों की मौत का पूरा जिम्मा तुर्की का ही है। सीरिया सीमा पर भारी हथियारों से गोलीबारी की आवाज सुनी जा रही है और धुआं का गुब्बार देखा जा रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति रिजेप तैयब अर्दोगान ने धमकी दी है कि बमबारी और बढ़ेगी। तुर्की की इस हरकत पर अमेरिका, फ्रांस जैसे देश काफी नाराज हैं। जिस तरह का रवैया तुर्की का है, उससे अमेरिका, फ्रांस, हिंदुस्तान जैसे कई देश चिंता जाहिर कर चुके हैं। तुर्की वही देश है जो आतंक के मामले पर अब तक पाकिस्तान का समर्थन करता आया है। पहले ही पूरी दुनिया की निगाहें तुर्की पर टिकी है और अब जो हरकत अर्दोगान ने की है, उसका बहुत बड़ा खामियाजा तुर्की को भुगतना पड़ सकता है। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।